स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। एंड टुडे वी विल स्टडी हिस्ट्री चैप्टर, क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नेम ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देयर इंपैक्ट। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। व्हाट आर देयर पॉलिसीज एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दिस पॉलिसीज ऑन इंडिया। सो स्टूडेंट, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के आने से पहले जो हमारी इकोनॉमी थी कैसी थी। जो इंडियन इकोनॉमी थी ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ, वो बहुत ही रूलर थी। रूलर की मतलब विलेज बेस्ड। 95% जो इंडियंस थे वो कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे। तो इसलिए जो इकोनॉमी थी वो भी रूलर थी। रूलर का मतलब स्टूडेंट विलेज से रिलेटेड, यानी कि गाँव वाली इकोनॉमी। The rest lived in towns which were either the political capitals of their kings। और जो बाकी थी वो कहाँ रहते थे, जो बाकी बची हुई मतलब 95% तो विलेज में, 5% बची वो टाउन में रहती थी, जो कि क्या थे, पॉलिटिकल कैपिटल्स थी उनके किंग्स की और इम्पोर्टेंट सेंटर से ट्रेड इंडस्ट्री और कॉमर्स के। तो जो 5% लोग थे वो ऐसे थे यहाँ। ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, जो इंडियन विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि वो उनमें अपने आप ही वो अपने को पूरा कर लेते थे, यानी कि उनकी जो स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स थी तो वो उनके लिए सफिशिएंट थी। जो एग्रीकल्चर था वो चीफ सोर्स था लिवलीहुड का, यानी कि जिंदगी को गुजारने का, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारने का। सप्लीमेंटेड एंड सपोर्टेड बाय द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, और जिनको सपोर्ट और सप्लीमेंट कौन करते थे, हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो इंडस्ट्रीज हाथ से बनी हुई चीजें बनाती हैं, जो पीसेंट्स, जो पॉटर्स और वीवर्स, कारपेंटर्स और जो भी आर्टिशंस और क्राफ्ट पीपल थे वो प्रोड्यूस वो करते थे कि जो भी रिक्वायर की होता था, किसके थ्रू, विलेज कम्युनिटी के थ्रू, और कुछ बाहर के आउटसाइड मार्केट से मिल जाता था। जो उनकी डिपेंडेंस थी आइटम्स पे कहाँ से थी, फ्रॉम आउटसाइड देयर विलेज, यानी कि उनके विलेज के बाहर जो डिपेंडेंस थी आइटम्स की वो बहुत ही कम थी। एंड देयर ओनली लिंक विद द गवर्नमेंट, यानी कि उनमें जो भी वो वहां चीजें होती थी उससे वो सेल्फ सफिशिएंट रहते थे, ठीक है। और उसके बाद जो उनका लिंक था वो गवर्नमेंट से था, और वहां से क्या था उनका लिंक, एनुअल पेमेंट किसका, रेवेन्यू का। जो रेवेन्यू वो कलेक्टेड होता था पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि जो भी वहां प्रोड्यूस हो रहा है, और समटाइम्स किस में, कैश में। जो रेवेन्यू था वो कलेक्टेड होता था डायरेक्टली टैक्स ऑफिशियल से वहां के रूलर के थ्रू, और इनडायरेक्टली किससे, जमींदार से, यानी कि जमींदार उनसे लेंगे और वो आगे गवर्नमेंट को देंगे, या तो डायरेक्टली होगा। दीज जमींदार जनरली डिड नॉट ओन लैंड, ये जो जमींदार थे ये लैंड को नहीं लेते थे, वो कलेक्ट करते थे टैक्स पे, जो उनके रूलर्स कहेंगे उसके बिहाफ पे वो टैक्स को कलेक्ट करके उनको देते थे रूलर्स को। कैप्ट पार्ट ऑफ इट, कुछ पार्ट रख लेते थे अपनी कमीशन के फॉर्म में, और डिपॉजिट करते थे बाकी को रॉयल ट्रेजरी में, शाही खजाने में। जो जमींदार थे वो कलेक्टर थे लैंड रेवेन्यू के। और जो ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी है वो एक रूलर वन थी, तो देखिए पहले लोग क्या करते थे, खेती वगैरह करते थे, जो भी अनाज था उससे वो भरपूर अपना जो पूरी जिंदगी है लाइफ क्या करते थे, अपनी लीव करते थे, रहते थे वैसे अपनी लाइफ में, और जो भी चीजें थी उनको वहीं से मिल जाती थी। जो ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम यानी कि 1765 से 93 तक था, यानी कि ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद थी, जो मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड थे, उन्होंने परमिशन दे दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कलेक्ट करने के रेवेन्यू बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। और फिर उसके बाद जो कंपनी ऑफिसर थे उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड को, रेवेन्यू कलेक्शन की ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया, और उन्होंने फिक्स किया रेवेन्यू का एक हायर रेट में और कलेक्ट किया पेमेंट को कैश में। जो रेवेन्यू पेमेंट था उसको पेड किया गया किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में। जो पेजेंट्स थे उसके बाद कैश क्रॉप्स को वो क्या करने लगे, ग्रो करने लगे, उगाने लगे, जैसे जूट, कॉटन। तो जैसे ये क्या होते हैं कैश क्रॉप्स का मतलब, जो ये होंगे और इससे उनका क्या होगा, फायदा होगा, तो उसको किसमें बेचेंगे, कैश के फॉर्म में बेचेंगे इनको। विच कुड बी सोल्ड फॉर रेडी कैश, यानी कि जैसे ये हुई उसके बाद इनको बेच दिया, तो इनको रेडी कैश इसलिए कहा गया क्योंकि जब इनको बेचेंगे तो उससे उनको कैश मिल जाएगा फटाफट मार्केट में। जो प्रोडक्शन था फूड का, क्रॉप्स का, जैसे वीट और राइस, ये धीरे धीरे क्या होने लगा, ड्रॉप्ड होने लगा, और इसकी वजह से जो शॉर्टेज ऑफ होने लगी फूड सप्लाईज की, और सेमी स्टार्वेशन कंडीशंस भी आ गई, यानी कि कहीं कहीं पे भुखमरी की भी कंडीशन आने लगी थोड़ी थोड़ी। जो मेथड थे रेवेन्यू कलेक्शन के कंपनी ऑफिसर्स के थ्रू और एजेंट्स के थ्रू वो ऑपरेसिव थे, यानी कि जबरदस्ती लोगों को ऑपरेसिव यानी कि मजबूर किया जाता था, और बहुत ही क्रूअल था उनका ये, वो अनकाइंड थे। समटाइम्स स्पेशली व्हेन द रेन्स फेल, जब कभी बरसात नहीं होती थी, जो पीजेंट्स थे वो बोरो करते थे मनी को एक ज्यादा इंटरेस्ट के फॉर्म में, यानी कि उन वो क्या करते थे, जब क्रॉप नहीं होगी तो वो मनी को लेंगे, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा खाने पीने का, ठीक है, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करते थे मनी लेंडर्स को, और फिर उसके बाद पे करते थे रेवेन्यू को। और किसी केसेस में दे हैड टू मॉर्टेज और सेल ऑफ देयर, अपने को गिरवी रख के, ठीक है, अपने जो भी लैंड्स उनको गिरवी रख के
रेवेन्यू पेमेंट देते थे, तो देखिए उनकी कंडीशन कितनी क्या थी, मिजरेबल थी। जो बंगाल फेमिनाइन था, यानी कि 1770 का एक मोस्ट टेरिबल फेमाइन था ह्यूमन हिस्ट्री में, इसने डिवाइस कर दिया पूरे कंट्री साइड को। 1/3 पॉपुलेशन पेरिस्ड हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। जो कंपनीज रेवेन्यू कलेक्शन था उसने सफर किया एक सेवियर सेटबैक, बहुत ही सीरियस सेटबैक। ये पेंटिंग एक दिखाती है कि स्टार्विंग पीपुल यानी कि बंगाल के लोगों की कैसी हालत हो गई, भुखमरी की, उनको खाना नहीं मिल पाया। जब पैसे भी नहीं रहेंगे, जब रेनफॉल नहीं होगी तो उनको वो खेती भी क्या करेंगे, और बुल गॉड को यानी कि बुल गॉड को प्रे कर रहे हैं नंदी को, ताकि इस फेमाइन से हमें बचाए। तो ये जो वहां पे ये जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, एक ऐसा डिजास्टर आता है जिसमें कि क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें क्या है, उनके पास खाने के लिए नहीं रहता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रेंट रेवेन्यू, अब जो रेंट रेवेन्यू का यूटिलाइजेशन यूज कैसे होता था, इसमें से जो जब से सबसे ज्यादा शेयर थे रेवेन्यू के कलेक्ट होते थे इन टेरिटरी से, जिसको कौन कैल किया, किसने, कंपनी ने, वो पेड करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को होम चार्जेस के फॉर्म में। 1767 से लेकर जो कंपनी है वो 4 लाख pounds एनुअली पे करती थी। जो रेवेन्यू था बंगाल से वो यूज किया गया कवर करने के लिए मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स को, यानी कि जो सैलरी थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, और इसको यूज किया गया फाइनेंस करने के लिए, किसके लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटीज को फाइनेंस, यानी कि जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी वहां इसको खर्च किया जाता था कंपनी के। रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड से जो थे, इंग्लैंड के लिए थे, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री थी वो लाए गए इन रेवेन्यूज में बंगाल से। जो कंपनी थी वो स्पेंड नहीं करती थी कोई भी मनी जनरल अफेयर के लिए, वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, जो पेड करते थे ना रेवेन्यू उनके लिए, जो कंपनी है कोई भी मनी उनके वेलफेयर के लिए नहीं खर्च करती थी। सिंस लैंड टैक्स फॉर्म द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी, और कंपनी के लिए जो लैंड टैक्स था वो एक मेन सोर्स था रेवेन्यू का, इट बिकेम इंपरेटिव टू इंट्रोड्यूस अ रेगुलर एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और ये धीरे धीरे बढ़ता गया रेगुलर एफिशिएंट रखने के लिए सिस्टम को, किसके, रेवेन्यू कलेक्शन के। जो वारन हेस्टिंग्स से जो गवर्नमेंट थे बंगाल के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ ऑक्शनिंग द राइट, उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि जो राइट होगा, क्या राइट, कलेक्ट करने का रेवेन्यू एक पर्टिकुलर एरिया से टू द हाइस्ट बिडर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, यानी कि जो उतना दे पाएगा, कितने साल तक, 5 years तक। जो एक्सपेरिमेंट थे वो एक डिस्मल फेलियर हुए, यानी कि बहुत ही भयानक इनका जो एक्सपेरिमेंट रहा वो फेलियर रहा। जो न्यू जमींदार थे वो अनश्योर थे किसके लिए, रिटेन करने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट उनको नेक्स्ट ऑक्शन में मिलेगा, उनको कोई भी परमानेंट इंटरेस्ट नहीं होता था इस लैंड का, और उनके पास कोई भी कुछ भी नहीं था इसको इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए। जो पीजेंट थे उनको फोर्स किया जाता था रेवेन्यू टारगेट, यानी कि जो लैंड, जिस रेवेन्यू, जितना उनको टैक्स देना है वहां से उनका रेवेन्यू बनेगा, तो पीजेंट को जबरदस्ती फोर्स किया जाता था कि उतना रेवेन्यू वहां से आना चाहिए, ये थे उनके टारगेट। अब हम पढ़ते हैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जो 1793 में हुआ। रिमूव करने के लिए जो डिफेक्ट था रेवेन्यू सिस्टम का, जो डिफेक्ट था, कमी थी उसकी रेवेन्यू सिस्टम की, उसको रिमूव करने के लिए इंश्योर किया गया कि स्टेडी और स्टेबल इनफ्लो किसका, रेवेन्यू का। जो लॉर्ड कार्निवालिस थे वो नेक्स्ट गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम को, जिसको बोला गया परमानेंट सेटलमेंट बंगाल का। ये जो सिस्टम है इसमें दो स्पेशल फीचर्स थे, एक था परमानेंट ओनरशिप किसका, लैंड का, दूसरा था फिक्स रेवेन्यू। जो परमानेंट ओनरशिप लैंड की थी, यानी कि जो जमींदार थे वो कलेक्टर्स थे लैंड रेवेन्यू के, वो बनाते थे परमानेंट लीगल ओनर्स किसके, लैंड के, जहां से वो कलेक्ट करते थे लैंड टैक्स को। जो टैक्स कलेक्टर था वो क्या थे, लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, और जो जमींदार की ओनरशिप राइट्स थे वो क्या थे, हेरिडिटरी, यानी कि जो उनके राइट्स रहेंगे, अगर उनके बाद को सन लेते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो उनके राइट्स वो ही रहेंगे, तो ये हेरिडिटरी थे। और उनको गिवन किया गया ये फ्रीडम सेल करने के लिए, मॉर्टेज करने के लिए अपनी लैंड को, या तो बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। जो कल्टीवेटर्स थे लैंड के वो एक टेनेंट्स थे जमींदार के, और उन्होंने अपना जो उनका पहले के राइट थे वो उनको खो दिया। उन्होंने पे किया रेंट किसको, जमींदार को, जिसने इंक्रीज किया रेंट, और जितना उनको चाहिए उतना उन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब फिक्स रेवेन्यू पढ़ते हैं। जो लैंड रेवेन्यू था फिक्स था किस पे, परमानेंट बेसिस पे। जो कंपनी है वो ये नहीं बना पा रही थी कि कोई भी फर्दर डिमांड्स किसकी, जमींदार की, तो वो ऐसी कोई फर्दर डिमांड नहीं बना पा रही थी जमींदार की। अब जो जमींदार उनको पे करना पड़ा था लैंड रेवेन्यू एक साल में, एक स्पेसिफिक डेट में, और अगर वो फेल होते हैं इसको टाइम पे करने के लिए, तो उनसे उनका लैंड खींच लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा और उसको बेच दिया जाएगा। जो परमानेंट सेटलमेंट था वो इंट्रोड्यूस हुआ बंगाल, बिहार, और उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा उड़ीसा तक। जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट थी आंध्र प्रदेश की और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस तक, तो यहाँ तक जो परमानेंट सेटलमेंट है वो बढ़ता गया, फैलता गया। अब जो एडवांटेज थे कंपनी के, कंपनी एश्योर थी किसकी, फिक्स रेवेन्यू के, फिक्स टाइम पे देने के लिए।
अगर वहां पे जो नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कभी रेनफॉल ना, कभी सूखा पड़ना, ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो कंपनी है वो फिक्स रेवेन्यू देगी फिक्स टाइम पे। जो कलेक्शन था रेवेन्यू का बहुत ही सिंपल और चीपर था। जो जमींदार थे वो रिप्लेस कर सकते थे 100 ऑफ पे टैक्स ऑफिशियल्स को, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने सपोर्ट किया लॉयल्टी किसकी, पावरफुल प्रिविलेज क्लास की, जमींदार की, जो उन्होंने क्रिएट की थी, उन्होंने उनका सपोर्ट और लॉयल्टी ले लिया किसका, प्रिविलेज क्लास का। और जो परमानेंट ओनर्स थे इन लैंड्स के यानी कि जो जमींदार थे, उन्होंने बहुत ही सारे स्टेप्स लिए इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जिसका बेनिफिट वो एंजॉय करते थे। अब डिसएडवांटेज क्या थे, जो कल्टीवेटर्स था उनको छोड़ दिया गया किसकी मर्जी पे, जमींदार अगर उन पे दया खाएगा तो अलग बात है, वो उनको क्या करते थे, शोषण करते थे उनका, उनको डराए धमकाए रखते थे ताकि जो उनका रेंट्स है, ठीक है, उस लैंड से, तो अगर वो अनेबल भी रहे उनको पे करने के लिए तब भी वो पे करें। इसकी वजह से पॉवर्टी गरीबी आई और कल्टीवेटर्स की जो स्थिति थी यानी कि जो उनकी कंडीशन थी वो बहुत ही क्या थी, मिजरेबल थी, वो बहुत क्या हो गए, गरीब हो गए। सिंस द रेवेन्यू ऑफ फिक्स, जो रेवेन्यू था वो फिक्स था, जो गवर्नमेंट थी वो क्या नहीं करती थी, उसको क्या नहीं मिलता था, शेयर नहीं मिलता था, जितनी भी वहां की रिटर्न इंक्रीज होगी उस लैंड की, जो रेवेन्यू था तो फिक्स था, और जो गवर्नमेंट थी वो उसको उसका शेयर नहीं मिलता था जितना उसमें से जो रिटर्न है वो इंक्रीज हुआ है उस लैंड का, तो ये डिसएडवांटेज था। अब ये जो सिस्टम है ये किस धीरे धीरे क्या करने लगा, एक क्लास को राइज करने लगा एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की। और ये जो जमींदार थे प्रीफर करते थे सिटीज में रहना, टाउन्स में रहना, और अपने जो लैंड है वो टीनेंट को दे देते थे हाई रेट में, और फिर ये जो टीनेंट थे इन टर्न सब लेट एट टू अदर टीनेंट, उसके बाद वो दूसरे को दे देते थे, और इस प्रोसेस कंटिन्यू होती रही। जो रेंट रेट था इंक्रीज होता गया सक्सेसिव ईयर में एक के बाद एक। जो एंटायर बर्डन था यानी कि जो पूरा बर्डन था इसका, इस इंक्रीज रेट पे देना, ठीक है, इसको क्या किया गया, धीरे धीरे चलता गया है, किसके थ्रू, एक्चुअल कल्टीवेटर्स के थ्रू यानी कि जो लास्ट टेनेंट थे। तो जो अब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कोई भी क्या नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं लिया अपने लैंड पे, और फिर उसके बाद डिड वेरी लिटिल टू इम्प्रूव कंडीशन, बहुत ही कम काम किया कि वहां की कंडीशन सुधार सके और प्रमोट किया एग्रीकल्चर को, और इसी के साथ साथ उन्होंने इन्वेस्ट भी किया अपनी मनी को दूसरी एक्टिविटीज में जैसे ट्रेड में, बैंकिंग में, और पर्सनल लग्जरीज में, और लेविस लाइफ स्टाइल में। तो ये जो लैंड लॉर्ड थे जो कि क्या करते थे, उस जमीन को रेंट रेट पे देते थे उसके बाद, तो वो क्या करते थे, वो बहुत ही कम सुधार करते थे वहां की कंडीशंस में, और प्रमोट करना चाहते थे एग्रीकल्चर को, और वो इन्वेस्ट करते थे जो मनी उनको यहाँ से बनता था एक्टिविटीज में अपने फायदे के लिए। जो अब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने, ये तो हमने पढ़ दिया, दिस द रायटवरी सिस्टम पढ़ते हैं आप। रायटवरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसके फीचर्स थे जो कल्टीवेटर यानी कि जिनको रायट बोला गया वो रिकॉग्नाइज होंगे, ओनर होंगे उस लैंड के, एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रेवेन्यू, जब तक वो लैंड रेवेन्यू पेड करेंगे। जो रेवेन्यू था वो पेड किसको होता था, कल्टीवेटर को दिया जाता था डायरेक्टली, फिर उसके बाद वो देते थे रेवेन्यू ऑफिशियल्स को। जो रेवेन्यू था वो फिक्स था 30 ईयर्स के लिए, जिसके बाद उसको रिवाइज यानी कि वो रिवाइज होता रहता था। फिर उसके बाद जो रेवेन्यू था फिक्स था कब तक, अबाउट हाफ द टोटल प्रोड्यूस यानी कि जितना उसका प्रोड्यूस होगा उसका हाफ उतना रेवेन्यू फिक्स था, वो देंगे उतना रेवेन्यू। जो कलेक्शन था रेवेन्यू का वो रिजिड था, जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज रिजिड, जो कलेक्शन था रेवेन्यू का वो बहुत ही रिजिड था। देयर वाज नो रेमिशन ऑफ रेवेन्यू यानी कि जो रेवेन्यू कम नहीं होगा, अगर क्रॉप फेल भी हो जाती है, अगर कोई नेचुरल कैलमिटीज की वजह से वहां क्रॉप उतनी नहीं हो पाई, तब भी जो रेवेन्यू वो उतना ही देंगे जितना देते थे। अब हम पढ़ेंगे महलवारी सिस्टम के बारे में। जो महलवारी सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया उत्तर प्रदेश, पंजाब और कुछ पार्ट किसके, मध्य प्रदेश में। जो महल है उसका मतलब है ग्रुप ऑफ विलेजेस यानी कि विलेजेस का समूह। इस सिस्टम के अंडर में जो लैंड था वो कलेक्टिवली ओन्ड होता था विलेजर्स के थ्रू। जो रेवेन्यू सेटलमेंट था वो उसको बनाया जाता था विलेज के साथ, यानी कि जो पूरा विलेज है, ठीक है, वो करेगा रेवेन्यू सेटलमेंट को। जो तालुकदार और हेड थे महल के वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को, और उसको फिर बाद में ब्रिटिश कलेक्टर्स को दे देते थे। उसके बाद जो जमींदारी और राइट वाली सिस्टम है इंट्रोड्यूस किया फंडामेंटल चेंज किसमें, ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम में। उस कंट्री के जो लैंड था वो कॉमोडिटी बन गया, एक न्यू फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी बन गया, जिसको खरीदा जाता था, लिया जाता था, गिरवी रखा जाता था जब किसी को जरूरत पड़ती है उस टाइम पे। जो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी थी इंडियन विलेजेस की वो हिल गई इस वजह से, और जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था रूरल सोसाइटी का उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगा। यानी कि अगर वो दूसरे के जो लैंड है, ठीक है, जैसे कि ये क्या किसके साथ था, ये रेवेन्यू सेटलमेंट विलेज के साथ था, एक पूरे विलेज के साथ, तो अगर वो जो लैंड है वो बिकता गया, फिर उसके बाद उसका ऑनर कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर भी ऐसे सोसाइटी का क्या होता रहता है, कम हो जाता है।
कमर्शियल पॉलिसी 1773 से 1857 तक जो इंडिया है 17 और 18 सेंचुरी में वो एक एग्रीकल्चर कंट्री थी। इस सेंचुरीज में उसने एंजॉय किया एक प्रोमिनेंट पोजीशन, हाई पोजीशन किस फील्ड में, ट्रेड और इंडस्ट्री के। ये एक मेजर प्रोड्यूसर था और एक्सपोर्टर था हैंडमेड इंडस्ट्रियल गुड्स का। सी वॉज ऑल्सो ए मेजर सप्लायर ऑफ वेरियस गुड्स, और क्या था, मेजर सप्लायर था किसके, अलग अलग गुड्स का, जैसे कोर सिल्क, मसलिन का। ए पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन आर्टिसन, ये कुछ बना रहा है यहाँ पे पॉट्स वगैरह। अब ब्रिटिश रूल के आने से पहले जो इंडियन क्राफ्ट पीपल थे वो ऑपरेटेड थे टू लेवल पे। तो स्टूडेंट बाकी का जो रिमेनिंग चैप्टर है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो चैप्टर है अच्छे समझ में आया होगा, और पार्ट टू वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर इन पार्ट टू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।